इस वीडियो में हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर्स के कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, इसलिए पार्ट वन एंड पार्ट टू आपको ज़रूर देखना होगा, तभी यह वीडियो आपको समझ में आएगी। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। x का पावर n इंटू वाई का पावर माइनस m, इसका होल पावर है 4 इंटू एक्स का पावर 3 एंड y का पावर माइनस 2 और इसका होल पावर है माइनस n। इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले ये पावर इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे x का पावर 4n इंटू वाई का पावर माइनस 4m इंटू, यहाँ भी उसी तरह से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3n इंटू वाई का पावर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2n, यहाँ पे हो गया 2n। अब यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, बेस सेम है, तो पावर को ऐड कर देना होता है, तो ये 4n से 3n घटेगा तो हो जाएगा n इंटू वाई का पावर, यहाँ पावर ऐड होगा तो ये हो जाएगा माइनस 4m प्लस 2n, माइनस 4m प्लस 2n, ये ऐड नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे m है और n है, इसलिए यहाँ पे इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 का पावर माइनस 2, इसका होल पावर माइनस 3, डिवाइड का साइन, फिर यहाँ पे है माइनस 8, इसका पावर है 2 और इसका होल पावर है 3 और इसका भी होल पावर है 2। इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे हम लोग 64 को 2 का पावर 6 लिख सकते हैं, ठीक है, और इसका पावर है माइनस 2 और इसका पावर है माइनस 3, तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 2 से माइनस 3 गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। डिवाइड का साइन यहाँ पे है माइनस 8, ये माइनस 8 और इसका पावर है 2, 3, 2, ये सारे पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हो गया माइनस 8, इसका पावर 12, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस 8 को हम लोग 2 का पावर माइनस 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया माइनस 2 का पावर 3 और ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 36 डिवाइड और यहाँ पे ये माइनस, ये वाला माइनस है यहाँ पे, ठीक, और इसका पावर हो जाएगा 12 3 36, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइड का साइन हटाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा, 2 का पावर 36 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 36। अब ये माइनस कहाँ गायब हो गया, क्योंकि इसका पावर जो है इवन नंबर है तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, इसलिए मैंने माइनस हटा दिया। अब आप चाहो तो इसको ऐसे काट सकते हो या इसको 36 माइनस 36 लिख के यहाँ पे 0 कर देंगे और 2 का पावर 0 यानी 1 आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया आंसर आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग खुद से बना के देखना। क्वेश्चन है 27, एक्स का पावर माइनस 3 इंटू वाई का पावर 6 और इसका होल पावर है 2/3। वीडियो को पॉज करके बनाओ, हम लोग इसको बनाते हैं। यहाँ पे ये पावर सारे पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 27 का पावर 2/3, एक्स का पावर माइनस 3 इंटू 2/3, वाई का पावर 6 इंटू 2/3। यहाँ पे 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 3 और इसका होल पावर है 2/3 इंटू, यहाँ से ये कटेगा, हो जाएगा एक्स का पावर माइनस 2, यहाँ 3 से ये 6 कटेगा दो बार में, ये हो जाएगा 4, ठीक, यहाँ पे ये भी कटेगा 3 का पावर 2 यानी 9, एक्स का पावर माइनस 2, वाई का पावर 4, ये आंसर हो गया आपका। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 9y4 डिवाइडेड बाई एक्स का पावर 2, ये माइनस के वजह से ये नीचे आ जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, दोनों ही आंसर सही है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस बार है एक्स का पावर ए बाई एक्स का पावर बी का होल पावर 1/ab इंटू एक्स का पावर बी बाई एक्स का पावर सी का होल पावर
वन बाई बी सी इंटू एक्स का पावर सी बाई एक्स का पावर ए का होल पावर वन बाई सी ए। इसको सॉल्व करके हमें वन लाना है, ठीक है। अब आप ये जान रहे हो कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। यहाँ होगा एक्स का पावर ए माइनस बी और इसका होल पावर है वन बाई ए बी। इसको भी उसी तरह से एक्स का पावर बी माइनस सी लिखेंगे और इसका होल पावर है वन बाई बी सी। इसको भी एक्स का पावर सी माइनस ए लिखेंगे और इसका होल पावर है वन बाई सी ए। ये हम लोग एल एच एस सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब ये पावर का पावर है यानी ये मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स का पावर ए माइनस बी बाई ए बी इंटू एक्स का पावर बी माइनस सी बाई बी सी इंटू एक्स का पावर सी माइनस ए बाई सी ए। ये हो गया। अब ये बेस सेम है तो पावर को भी ऐड करना होगा, तो पहले देख लेते हैं पावर कैसे ऐड होता है। हम लोग को ऐड करना है ए माइनस बी बाई ए बी प्लस बी माइनस सी बाई बी सी प्लस सी माइनस ए बाई सी ए। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ए बी सी आ जाएगा, ए बी सी। अब इसको इसे डिवाइड करेंगे तो ए बी कटेगा और सी बचेगा, और सी से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए सी माइनस बी सी, फिर प्लस, फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो बी सी कटेगा, ए बचेगा, और ए को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी माइनस ए सी, ठीक है, प्लस। फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो सी ए कटेगा और बी बचेगा, और बी को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी माइनस ए बी बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ए सी कटेगा, फिर यहाँ पे बी सी से बी सी कटेगा, प्लस माइनस में है, और ए बी सी ए बी कटेगा। ऊपर हो गया जीरो, नीचे है ए बी सी, तो जीरो आ गया ऐड करने पे। तो यहाँ पे लिख देते हैं एक्स का पावर जीरो यानी वन। यही है हमारा आर एच एस, ये प्रूव हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है वन बाई वन प्लस एक्स का पावर ए माइनस बी प्लस वन बाई वन प्लस एक्स का पावर बी माइनस ए इक्वल टू वन। यह है एल एच एस। इसको सॉल्व करके, एल एच एस को सॉल्व करके हमको वन लाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस वन को हम लोग कैसे लिख रहे हैं। इस वन को हम लोग एक्स का पावर ए माइनस ए लिख रहे हैं। एक्स का पावर जीरो का वैल्यू वन होता है, यहाँ पे एक्स का पावर ए माइनस बी है, फिर प्लस वन बाई, इस वन को भी बी माइनस बी लिख रहे हैं, ठीक है। एक्स का पावर बी माइनस बी प्लस एक्स का पावर बी माइनस ए, ठीक। अब इसको हम लोग वन बाई, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे एक्स का पावर ए इंटू एक्स का पावर माइनस ए प्लस एक्स का पावर ए इंटू एक्स का पावर माइनस बी प्लस वन बाई, इसको भी उसी तरह से एक्स का पावर बी इंटू एक्स का पावर माइनस बी प्लस एक्स का पावर बी इंटू एक्स का पावर माइनस ए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, ध्यान से देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप देख रहे हो कि एक्स का पावर ए दोनों में कॉमन है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। एक्स का पावर ए बाहर आ जाएगा, अंदर में रहेगा एक्स का पावर माइनस ए प्लस एक्स का पावर माइनस बी प्लस वन बाई, यहाँ पे एक्स का पावर बी कॉमन होगा तो यहाँ गया बाहर एक्स का पावर बी, अंदर में रहेगा एक्स का पावर माइनस ए, इसको पहले लिख देते हैं एक्स का पावर माइनस ए प्लस एक्स का पावर माइनस बी। अब यहाँ पे ये दोनों कॉमन है, ये इसको बाहर निकाल लेते हैं, वन बाई एक्स का पावर माइनस ए प्लस एक्स का पावर माइनस बी, ये बाहर आ गया। अंदर में बचेगा वन बाई एक्स का पावर ए प्लस वन बाई एक्स का पावर बी, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स का पावर माइनस ए, ठीक। इसको लिखेंगे एक्स का पावर माइनस ए प्लस, इसको भी उसी तरह से एक्स का पावर माइनस बी लिख सकते हैं। अभी आप देख रहे हो कि ये
कटेगा यहाँ से, ठीक, सेम हो गया ये दोनों। अब ये कट जाएगा, बच गया आपके पास वन, यही था मेरा RHS, ठीक, प्रूव हो गया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन है रूट अंडर 1/4 प्लस 0.01 का पावर है -1/2, फिर है -27 और इसका पावर है 2/3, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसका रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 0.01 को हम लोग लिख सकते हैं 0.1 का स्क्वायर और इसका पावर है -1/2। फिर उसी तरह 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 3 और इसका पावर दिया है 2/3, ठीक है। अब यहाँ पे ये 1/2 हो गया प्लस, अब ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे हो गया 0.1 का पावर -1 और ये पावर से ये पावर कटेगा 3 का पावर 2 यानी 9। अब यहाँ पे पावर इसका -1 है तो यहाँ लिखेंगे 1/2 प्लस 0.1 यानी 1/10, ठीक है। 0.1 को हम लोग 1/10 लिख सकते हैं और इसका पावर माइनस में है तो ये रिसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये 10 हो गया, यहाँ पे है 9। अब 10 में से 9 घटेगा तो हो जाएगा यहाँ पे +1, ठीक, और इसको ऐड करोगे तो 2 1 2 1 3/2, ठीक, इसको ऐड करके आंसर आ गया 3/2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन है 8 का पावर 3a इंटू 2 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 2a डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 का पावर 11a इंटू 2 का पावर -2a। ये क्वेश्चन है मेरा, इसको हम लोग साइड कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग 8 को 2 का पावर 3 लिख सकते हैं और इसका पावर दिया हुआ है 3a इंटू 2 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 2a डिवाइडेड बाय 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 11a इंटू 2 का पावर -2a, ठीक। अब यहाँ पे ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2 का पावर 9a इंटू 2 का पावर, ये पावर ऐड हो जाएगा 5 प्लस 2a। नीचे है ये भी बेस सेम है तो सारे पावर ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 का पावर 2 प्लस 11a -2a। अब यहाँ पे भी ऊपर में पावर ऐड होगा तो यहाँ हो जाएगा 2 का पावर 9a 2a 11a प्लस 5 और नीचे है 2 का पावर, नीचे है यहाँ से ये घटेगा तो ये 9a हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 2 का पावर 9a प्लस 2। अब यहाँ पे ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाता है तो यहाँ हो जाएगा 2 का पावर 11a प्लस 5 -9a -2। अब इसको सॉल्व कर देना है, 11a से 9a घटेगा और 5 से -2 घटेगा, यहाँ पे बचेगा 2a प्लस 3, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं 2 का पावर 2a प्लस 3, ये हो गया आंसर आपका। अब आते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 4 का पावर 2m इजक्ल टू क्यूब रूट ऑफ 16 और इसका पावर है -6/n इजक्ल टू √8 का होल स्क्वायर, ठीक। अगर आप ये दोनों को लेकर सॉल्व करोगे तो आंसर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे m और n है, तो ये दोनों को लेकर हमको आगे बढ़ना है तभी सॉल्व होगा। यहाँ पे होगा 4 का पावर 2m इजक्ल टू √8 का स्क्वायर 8। अब यहाँ पे बेस सेम करना है तभी इसको सॉल्व कर पाएंगे, तो 8 को क्या लिखेंगे हम लोग 2 का पावर 3 और यहाँ पे भी इसको भी सेम करना है तो ये हो जाएगा 2 का पावर 2 और इसका पावर है 2m और यहाँ है 2 का पावर 3। अब ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा
कितना हो जाएगा 4m, ठीक, 2 का पावर 4m इज इक्वल टू 2 का पावर 3। अब बेस सेम है तो पावर को भी सेम होना होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 4m इज इक्वल टू 3, 4m इज इक्वल टू 3, यहाँ से m का वैल्यू आ जाएगा, नहीं 3/4, ठीक है 3/4 m का वैल्यू आ गया। अब इसको मिटा देते हैं, फिर n का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से हम लोग m का वैल्यू निकाले थे ये दोनों को इक्वल करके, उसी तरह से n का वैल्यू निकालेंगे ये दोनों को इक्वल करके, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं क्यूब रूट ऑफ 16, इसका पावर दिया है -6/n और रूट 8 का स्क्वायर 8। यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 का पावर 1/3 और इसका पावर है -6/n, ठीक 1/3। अब ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या होगा 1/3 इंटू -6/n, ये 3 से ये 6 कटेगा, यहाँ आ गया -2/n। तो यहाँ पे लिख देते हैं -2/n और यहाँ पे 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 3। यहाँ 16 को भी हम लोग इस 16 को भी 2 के टर्म में लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2 का पावर 4, 2 का पावर 4। अब ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का पावर -8 बाई एन इक्वल टू 2 का पावर 3। बेस सेम हो गया तो पावर को भी सेम कर देना है, ये हो जाएगा -8/n इक्वल टू 3। अब n का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से n इधर जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, -8/3, ये हो गया आंसर आपका। यहीं पे एक्सपोनेंट एंड पावर को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।